स्टूडेंट, आपके मैथ्स के बुक में ना एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अर्नब्स फादर्स डिसाइडेड टू कल्टीवेट रबी क्रॉप्स इन द प्लॉट ऑफ लैंड नियर हिज हाउस। ही डिवाइडेड द प्लॉट एज गिवन बिलो। प्लॉट का मतलब होता है जमीन, ठीक है। तो अर्नब के पापा के पास ना जमीन था, ठीक है। उस जमीन में उन्होंने बहुत सारे सब्जी उगाए थे, ठीक है, जैसे सब्जी की खेती की थी। जैसे इस भाग में उन्होंने क्या लगाया, पटेटो। हमें पता है पटेटो का मतलब आलू होता है। फिर कैबेज, कैबेज का स्पेलिंग गलत है बच्चों, ठीक है। कैबेज का स्पेलिंग होता है CABBAG, कैबेज। तो कैबेज यानी क्या होता है, बंधा गोभी, जो बंद गोभी होता है। ब्रिंजल यानी बैंगन। गार्लिक, गार्लिक यानी लहसुन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना लहसुन बोलते हैं ना, नेहरू बोलते हैं ये है। फिर उसके बाद मटर भी लगाया था और मूली भी लगाया था। तो अर्नब के पापा अपने जमीन में क्या लगाना चाहते थे, राबी। राबी और एक तरीके का क्रॉप्स होता है, ठीक है। तो ये सब अर्नब के पापा ने अपने जमीन में लगाया था, जो क्या बोलते हैं हम उसको, प्लॉट, ठीक है। तो एक एक करके कुछ क्वेश्चन दिया है, हमें उसी को अभी सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लॉट अर्नब्स फादर इज विलिंग टू कल्टीवेट। यानी हमें पता करना है कि जो अर्नब के पापा के पास जो जमीन है ना, उस जमीन का एरिया कितना है, ठीक है। तो चलो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ। तो स्टूडेंट, जो हमारा लेंथ है ना वो है 50 meters, ठीक है। क्योंकि 20 को 30 के साथ प्लस करो तो भी हमारा 50 आता है, या फिर 10 प्लस 30 प्लस 10 मीटर करो तो भी हमारा आंसर 50 आता है। तो लेंथ है हमारा 50 meters और ब्रेथ है हमारा स्टूडेंट 40 meters। क्योंकि अगर 25 को 15 के साथ प्लस करो तो भी 40 आता है, और उस साइड 10 प्लस 30 को प्लस करो तो भी 40 आता है। तो ब्रेथ है हमारा 40 meters और लेंथ है हमारा 50 meters। तो चलो ये क्या हुआ, रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि इसमें लेंथ लॉन्गेस्ट साइड है और ब्रेथ शॉर्टेस्ट साइड है, और ऐसा सिर्फ रेक्टेंगल में ही होता है। तो अब हम रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो उसी के मदद से हम इसका एरिया निकालेंगे। तो बच्चों, लेंथ ऑफ द प्लॉट हमने निकाल लिया था 50 meters, है ना। यूनिट यहाँ पे मीटर दिया हुआ है दे, और ब्रेथ हमारा कितना है 40 meters। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा लेंथ है 50, ब्रेथ है हमारा 40, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, 50 को 40 के साथ इंटू करेंगे, 0 0 0 5 0 0 4 0 0 4 5 20। तो 2 कितना 0 है, 1 2 3, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, 2000 square meters। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है 2000 square meters स्टूडेंट। वहीं पे स्टूडेंट, अगर बोला जाए कि इस पूरे जमीन का एरिया, यानी अर्नब के पापा के पास जो जमीन है उस पूरे जमीन का एरिया कितना है स्टूडेंट, 2000 square meters, ठीक है। क्योंकि मीटर यहाँ पे यूनिट है ना, और एरिया में हम हमेशा स्क्वायर लगाते हैं, तो 2000 square meters एरिया है, ओके। तो स्टूडेंट, अभी हमारा क्वेश्चन 2 है, What will be the length of the fencing if the plot is covered by a fence along its boundary? Fencing का मतलब पता होता है ना, हम जो तार लगाते हैं ना, हम जो अपने जब खेती करते हैं या फिर बगान में, हम तार से नहीं लगाते, तार का बाउंड्री ऐसे बनाते हैं ना। तो इस पूरे, ठीक है, अर्नब के पापा अगर अपने खेत में फेंसिंग लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो कितना लेंथ का वो फेंसिंग होगा, ठीक है, इस पूरे जमीन के बाउंड्री में फेंसिंग लगाएंगे ना, तो उसका लेंथ कितना होगा फेंसिंग का। तो बाउंड्री यानी क्या, हमें कैसे पता चलेगा, बाउंड्री निकालने के लिए हम पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर इस जमीन का, यानी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो उसी से पता चलेगा कि जो फेंसिंग का जो लेंथ है कितना होगा, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, कितना लेंथ का हमें फेंसिंग चाहिए इस पूरे बाउंड्री में, यानी इस जो खेत है ना, जो जमीन है, इस खेत के जमीन में कितने लेंथ का हमें फेंसिंग चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो बताओ लेंथ कितना था, लेंथ हमने निकाला था ना 50 meters, और ब्रेथ हमने कितना निकाला था 40 meters, है कि नहीं उस जमीन का। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 into length plus breadth, है ना, 2 into length कितना है 50, ब्रेथ कितना है 40, ठीक है, 2 into
अभी हम 50 को 40 के साथ प्लस करेंगे, ठीक है। 50 प्लस 40 जीरो, 0 प्लस 0 5 प्लस 4 9 होता है। तो आंसर है स्टूडेंट हमारे यहाँ पे 90, ठीक है। अब 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 0, 9 2 18, यानी हमारा आंसर कितना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 180 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट जो अर्नब के पापा का जो ज़मीन है ना, उसका पेरीमीटर है 180 मीटर। तो उस पूरे ज़मीन का, ठीक है, ज़मीन का जो बाउंड्री में अगर हमें फेंसिंग लगाना है तो कितना लेंथ का हमें फेंसिंग चाहिए होगा, 180 मीटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि एट द रेट ऑफ रुपीज 40 पर मीटर व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट, ठीक है। यानी जो फेंसिंग है ना, फेंसिंग अभी हमें दुकान में खरीदने जाते हैं ना, तो एक मीटर फेंसिंग का दाम है रुपीज 40, ठीक है, पर मीटर यानी एक मीटर, ठीक है। तो एक मीटर फेंसिंग का दाम है कितना, 40 रुपए। तो हमारे पास तो 180 मीटर का फेंसिंग है, तो 180 मीटर लेंथ का फेंसिंग का कितना दाम होगा, ठीक है। 1 मीटर फेंसिंग का दाम कितना है, रुपीज 40। तो 180 मीटर फेंसिंग का कितना दाम होगा हमें वही पता करना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया ना, तो प्राइस ऑफ फेंसिंग ऑफ लेंथ पर मीटर, एक मीटर लेंथ का फेंसिंग का दाम कितना है, रुपीज 40, ठीक है। अब टोटल प्राइस ऑफ फेंसिंग ऑफ लेंथ 180 मीटर क्या क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 180 इंटू 40 करेंगे, ठीक है। तो आंसर हम क्या से निकालेंगे, 180 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0, 4 0 0 0, 4 8 कितना होता है, 32, और 4 1 0 4 5 6 7, यानी 7 2 0 0, हमारा आंसर कितना है, 7 2 0 0। तो कितना है, कितना है रुपीज 180 मीटर लेंथ का, रुपीज 7200 है, ठीक है। 180 मीटर लेंथ का फेंसिंग का दाम है रुपीज 7200।